आज तो काफी ज्यादा ठंड हो रही है, मन भी नहीं कर रहा घर से बाहर जाने का। बहुत ठंड है यार आज तो, 2 दिन से काफी ज्यादा ठंड हो गई है। खैर मेरे घर अभी सब सो रहे हैं और बज रही है 8, 8 क्या 8:30 हो गए हैं। और गाइस आज मुझे जाना है अपनी दोस्त के साथ घूमने घूमने या तो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लेते हैं, नया व्लॉग मिल गया। अभी मेरा बाहर पानी भी गर्म हो चुका है, जानता है नहाने। आज तो मुझे हेयर वॉश करना है और मुझे इतनी ठंड लग रही है, मन भी नहीं कर रहा कि मैं हेयर वॉश करूँ, मन भी नहीं कर रहा कि घर से भी बाहर जाऊँ, बट इट्स ओके। बहुत दिनों बाद आज मैं जा रही हूँ घूमने। लास्ट मैं कब गई थी, स्काई जंपर गई थी वो तो, लेकिन मैं अपनी सिस्टर के साथ गई थी, बट आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, वो भी हो गया, टाइम हो गया। खैर मैं इतनी सारी बातें कर रही हूँ और मेरा पानी गर्म हो गया, लेट भी हो रहा है। अभी मेरी दोस्त का फ़ोन आया था कि चलो उठ जाओ, वो भी उससे भी मैं यही बोल रही हूँ कि यार मन ही नहीं कर रहा आज उठने का, बहुत ठंड लग रही है। सो ही गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। चलते हैं आज घूमने, और उस जगह ना मैं आई थिंक पहले भी गई हुई हूँ, आई थिंक क्या मैं गई हुई हूँ ऑलरेडी, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार मेरे साथ भी चल लो, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। रिपीटेड जगह जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, बट आज मैं जा रही हूँ रिपीटेड जगह, और ऐसा नहीं है कि मैं इसी जगह जा रही हूँ रिपीटेड। हाँ जब मैं, आप लोग पूरा व्लॉग देखना कि मैं कहाँ गई हूँ, इसलिए मैं अभी पहले से नहीं बताना चाह रही हूँ। OMG बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड लगा है सच में। और हाँ गाइस देखो मैंने अपनी नेल पेंट लगाई है रात में बैठ के, एक्चुअली गाइस आई लव नेल पेंट। जब मैं छोटी थी ना मैं तब से इतनी शौकीन हूँ नेल पेंट की, बहुत ज़्यादा कसम से कसम से कसम से कसम से। ये एक सीरियल आता था मैं देखती थी पहले, ये वाला सीरियल तो माइंड में आ गया, कसम से कसम से कसम से। अभी मैंने कर रही थी कपड़े, जा रही हूँ नहाने। बच्चा की तरह कर रही है, बर्गर बन रहा है, बर्गर बना रही है, ये टिक्की हो रही है कि रहा मेरा बर्गर। अभी थोड़ा किचन मैसी सा हो रहा है। ओह यार इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है मेरे को, बहुत तेज़ ठंड लग रही है। और अभी मम्मी बर्गर बना रही है, मैंने सोचा तब तक हेयर मेरे सूख जाए, मैंने हेयर वॉश किया है। सो या अभी मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, मुझे क्या पहनना है अभी, तो मैं ऐसी पहन के आऊँगी बिकॉज गीले होते हैं ना, मैं टॉवल यूज़ नहीं करती हूँ अपनी बॉडी पे, तो इसलिए देखो आप टी शर्ट मेरी गीली सी हो। तो अभी मैं तो चेक कर रही हूँ अपने कपड़े की मुझे क्या पहनना है। वैसे रेनू और मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग ना दोनों सेम सेम पहनने जा रहे हैं। चलो यार तब तक मम्मी बर्गर बनानी है, तब तक मैं कपड़े पहन लेती हूँ और अपने हेयर्स को सुखाती हूँ। बहुत गीले हो रहे हैं, बहुत ठंड लगी यार, गीज़र में पानी ख़त्म हो गया हेयर वॉश करते करते ना, और नहाई तो फिर मैं ठंडे पानी से, वो पहले मैं हेयर वॉश करी उसके बाद नहाई। तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में। इसके ऊपर अभी मेरे को पहना है कोट, लॉन्ग कोट, ब्लैक लॉन्ग कोट। और ये रहा मेरा नाश्ता, दिस यू नो गाइज ना कि मैं चाय किसी के भी साथ खाती हूँ, तो देख लो आज मेरा कॉम्बिनेशन चाय विद बर्गर। ओके गाइस अभी हेयर्स को मैंने खोल लिया है। ओके गाइस तो चलते हैं रेडी होने। सबसे पहले मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर तो आपको चाहे विंटर्स हो या समर लगाना ही चाहिए। फाउंडेशन, नहीं स्कूटी से नहीं जाऊंगी, मेरे को ना मेबिलीन का फाउंडेशन ज्यादा अच्छा लगता है। ओके गाइस रेडी होके मिलती हूँ मैं आपसे सीधे। नाउ आई एम रेडी गाइज, अभी मैं जा रही हूँ ऊपर फ्लोर पे। हाँ एक्चुअली ना नीचे वाला जो शू रैक है वो पूरा ना भर गया है हमारे शूज से, हमारी सैंडल से, हमारी स्लीपर से, तो राइट ही अभी ऊपर वाले शू रैक में से अपने बूट्स निकाल लें। मैंने सोचा कि यार लॉन्ग कोट पे ना
लॉन्ग कोट पहना, बूट्स बूट्स सूट करते हैं, सूट करते हैं। यम मैं पहन लेती हूँ अभी बूट्स, फिर मैं वेट करती हूँ अपनी फ्रेंड के कॉल का। अभी मैंने हाथों में लगाया है बॉडी लोशन, बॉडी लोशन। एक्चुअली मैं ऐसे ऐसे करके चेक कर रही थी क्योंकि लाइट आ रही है ना बहुत ज़्यादा, इसलिए बॉडी लोशन लगा लिया। नाउ आई एम फुल रेडी। एक मिनट मम्मी को बता दो और मैं जा रही हूँ। ठीक है, पैसे नहीं चाहिए आपको? पैसे वैसे नहीं चाहिए मेरे पे है। अरे तो कहते थे ला दी। अच्छा हाँ, मुझे पैसे दे दो, मैं शॉपिंग के लिए लेके आना तुमको भी जरूरत होती है। शॉपिंग के लिए शॉपिंग भी हाँ कटवानी कटवानी नहीं है। नहीं नहीं भाई, निकल गई हूँ मैं गाइस। मास्क कितना ज़्यादा टाइट हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, इसलिए मैंने नीचे गले की लिपस्टिक फैल जाएगी। एक इंस्टाग्राम पे रील थी एलिना आप ऐसे करके लिपस्टिक का था कुछ। एक्चुअली गाइस मैं एंट्री कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, एक एलिना वाला इंस्टाग्राम पे रील था कि एलिना आप मास्क क्यों नहीं लगाते हो, कोरोना फैल रहा है, तो वो बोलते हैं मेरी लिपस्टिक फैल जाएगी। अभी भाई मेरे साथ सीन है। हीरे नू हाय, मेट्रो आ गई है, हुडा सिटी सेंटर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली गाइज मैं आप लोग को तो बताना ही भूल गई कि हम लोग जा रहे हैं एरो सिटी, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड मार्क। जी हाँ, एरो सिटी वर्ल्ड मार्क दोनों बोलते हैं। वहाँ की डेकोरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पहले हमने सोचा था कि हम साइबर हब जाएं, बट नहीं, फिर हमने सोचा एरो सिटी जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डेकोरेशन हो रखी है क्रिसमस को लेके। तो अभी हम लोग ने साकेत से लिया हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, हुडा सिटी सेंटर। अब हम छतरपुर से एग्जिट कर रहे हैं, यहाँ से देखते हैं क्या लेंगे हम, कुछ भी मिल लेंगे, ऑटो कैब कुछ भी। यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप देख सकते हो। हम यहाँ पहुँच गए हैं एरो सिटी। यार मैंने इतना वॉक कर लिया यहाँ पे ना कि मुझे लगने लगी है भूख, मैं बर्गर खा के आई हूँ हाफ। वॉक करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं फाइनली। कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। मार्गरेटा चाहिए मेरे को, तो मार्गरेटा सही है ना। अभी हम लोग खाने का डिस्कस करेंगे क्या क्या खाना है। मैं तो बोल रही थी कि लास्ट टाइम में खाने में कोरोना का टाइम था। अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है मोमोज एंड पिज़्ज़ा एंड बर्गर, चीज़ें ऑर्डर किया, अभी टाइम लगेगा। बाकी जगह तो काफ़ी अच्छी है, मैं पहले भी आई हूँ बट मैं इस साइड आई थी नहीं आई थी। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ कुछ चेंज है यहाँ पे।
अगर आपने लास्ट वाली मेरी वीडियो नहीं देखी ना एरो सिटी की, तो एरो सिटी की, तो आप वो भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू। रेनू अभी गई थी शेक लेने, तो अभी रेनू आ गई है, शाय गर्ल आ गई है। रखो रखो रखो, चलो ये सब खोलो। कि हम निकल गए हैं एंड बाहर की साइड जा रहे हैं हम। लास्ट टाइम आई गेस, हाँ लास्ट टाइम मेरी फोटो यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने ली थी लास्ट टाइम फोटो। मेरे को करनी थी शॉपिंग, जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ अंदर। ये सैनिटाइजर से हाथ धो रही थी अभी। ओहो ब्लॉगिंग, ओहो ये तो ब्लॉगिंग कर रही है। आज हमें रेनू पिलाने वाली है क्या, स्टारबक्स की कॉफी। तो यहाँ से अब हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है, निकल गई हूँ मैं। यहाँ पे काफी अच्छा लगा, मजा आया, बहुत शांति प्लेस है यहाँ पे, एकदम पीसफुल। तो फाइनली गाइस मैं आ चुकी हूँ घर, यस घर, और बज रहे हैं 4:15। मुझे लगता ना मेरी लिप्स पूरी यहाँ यहाँ से फैल जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। ये मास्क बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है आज, तो न्यू खरीदा है। अब चेंज वेंज करती हूँ, फिर मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए चाय भी है ना, तो चाय बनाएगी आज, बोल नहीं दिया जानबूझ के, चाय बनाएगी आज। मुझे भी कह रही तू बना, बताओ छोटी बहन थक हार के घर में आई है, कह रही तू बना। पढ़ाई करके नहीं आई, पर कहीं से भी आई हूँ, आई तो हूँ ना, थक के ही तो आई हूँ। पता है मेरे बूट्स में इतने ज़्यादा आज पैर दर्द हुए, बहुत ज़्यादा। मैं चेंज करती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। मैं चल रही है पढ़ाई। या ये तूने क्या बनाया है, शीट गलत हो गई। पढ़ रही है तू आज, ओह लास्ट वाली वीडियो में तूने कैसे रिएक्ट किया था, कैसे किया था? असाइनमेंट डे एक्सरसाइज का वो कर। हाँ तो पढ़ ही रही है ना, घर का भी काम करती हूँ मैं आई, और फिर सब्जी तो मम्मी ने बनाई थी। देखो ये रोटी कितनी मस्त बनाती है ना, देखो क्या बनाई, देखो अभी एक फुली फुली थी। या मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, इसमें चावल बनाएंगी। हाँ यार ये खाना तो अच्छा बनाती है, नो डाउट। मैं नहीं, आज मैं थकी हुई थी तो मम्मी ने बनाया खाना, मैंने चावल और रोटी बनाई। सब्जी मम्मी ने ही बना दी थी इसकी। सब्जी मम्मी ने बना दी क्योंकि मेरे पैर बहुत ज्यादा थक गए थे, मैंने ना बूट्स पहना। देखो ठंड नहीं लग रही, स्वेटर तो पहनती नहीं, अभी गैस के सामने ही बनती हूँ, ठंड नहीं लग रही है। ऐसे सही है, अगर कुछ जैकेट वगैरह हुडी वुडी पहने तो उसपे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, वो उसपे गंदे हो जाते हैं कपड़े, इसलिए मैंने अभी उतार रखा है। ये ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ अपनी सिस्टर के फोन से, यार ये कैमरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
मेरा फ़ोन तो ख़राब है मुझे ऐसा लगता है। आपको मेरे मेरे बहुत ज़्यादा डार्क यार, मेरे डार्क सर्कल्स कितने हो रहे हैं, OMG डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। एक्चुअली ना मैंने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया था, तो वही मेरा ऑयली एक तो ऑयली स्किन वैसे भी है तो इसलिए। बाकी हाँ, अभी मैं रोटी बना के आई हूँ और आज तो मम्मी ने अचार बनाया बहुत टेस्टी, मैं आप लोग को दिखा दी जस्ट सेकेंड। ये रहा घर का होममेड मिक्स पिकल, मिक्स पिकल देखो गाइस, मिक्स मिक्स है ये, गाजर मूली गोभी, वाव यार कितना टेस्टी लग रहा है ना। जिसको आप लोग छोले भटूरे के साथ खाते हो ना, वो वाला ये बनाया है शेफ ने, शेफ। गाइस अभी मैं आई थी अपना डिनर लेके, एक सेकंड मैं आपको अपना डिनर दिखाती हूँ ना। ये है पालक की सब्जी, राइस एंड मिक्स पिकल। आप लोग सोच रहे होंगे मुझे ठंड क्यों नहीं लग रही है, तो अभी मैं आई हूँ रोटी बना के, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रही है ठंड। तो मैं करने जा रही हूँ अपना डिनर। वैसे आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को मिक्स पिकल कैसा लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है। ठीक है, तो अभी मैंने अपने राइस ऐसे मिला लिए हैं, मिक्स कर लिए। मुझे पसंद है ऐसे खाना, और भी बहुत लोग ऐसे खाते हैं बट मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने पहले हाथों से दाल चावती थी यार, अब तो मेरे नेल्स हैं ना बड़े नेल्स के अंदर चले जाते हैं जो भी चावल वगैरह होता है, तो ना बहुत दिनों तक फिर क्या होता है ना, वो जो नेल्स होते हैं ना वो हल्दी के वैसे येलोइश हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने हाथों से खाना छोड़ दिया है। जैसा कि एज यू ऑल नो आई एम लेफ्टी। यप, तो चलो करते हैं डिनर। चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।